हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ बहुत ही मस्त रेसिपी लेके, जिसका नाम है फ़िश फ्राई। और फ़िश में आप कोई भी मच्छी ले सकते हो जो आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ बांगड़ा, जिसे हमें फ्राई करना है, और मैं आपको उसका बहुत ही इजी वे बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हूँ 4 से 6 मच्छी। उसे ऐसे कट लगा लेना है हमें, जैसे आप लोग देख सकते हो। अच्छा सा क्लीन कर लेना है, अंदर से क्लीन कर लेना है। फिर इसे कट लगाकर अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हूँ हल्दी पाउडर, वो मैंने ली हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद लेना है नमक, वो आप टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। फिर सब चीज़ों को मिक्स करके इसे रख देना है इस तरह से कम 45 मिनट्स के लिए। अब इसे रख देंगे साइड में और बढ़ते हैं मसाले की तरफ। तो हमें लेना है ये सब इंग्रेडिएंट। सबसे पहले लेना है चावल। चावल को हमें लेना है 1 कप के बराबर, एकदम छोटा सी। उसे भिगोकर रख देना है अच्छा सा वॉश करने के बाद। और लेना है लाल मिर्चें 6 से 7। उसके बाद लेना है लहसुन, और उसके बाद लेना है 2 टेबलस्पून जीरा, और नमक स्वाद अनुसार। अब एक एक करके इसे जार में ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ऐड कर दिया यहाँ पर चावल, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्चें, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें जीरा, और उसके बाद ऐड करेंगे लहसुन, फिर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, मतलब मैंने यहाँ पर ली हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। और सब चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। इस कंसिस्टेंसी में हमें लाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। सब चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, और अब हो चुके हैं फ़िश को 45 मिनट्स। तो अब हमें करना है एक बाउल में ट्रांसफ़र, जो हमने मसाला पीस कर ले लिया है, उसमें हल्का सा वाटर ऐड करके जार को वॉश करना है। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, वरना ये एकदम ही लूज़ हो जाएगा। तो अब एक एक करके इसमें मच्छी ऐड करेंगे हम लोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें जो कट्स है वो आप लोगों को एकदम ध्यान से लगाना है, तो बहुत बेहतर टेस्ट आता है। तो एक एक करके ऐड करना है इसमें। ये देखो, इस तरह से आपको डिप करना है बैक साइड और फ्रंट साइड, ताकि सारा मसाला प्रॉपरली लग जाए। सारी मच्छियों को इस तरह से ही आपको करना है, ये देखिए, इस तरह से डिप करना है, ताकि हर एक मच्छी में प्रॉपरली मसाला लग जाए। तो इसी तरह से मैंने सारी मच्छी को अच्छे से डिप कर ली थी, और अब इसे रखना है हमें 30 से 45 मिनट तक। और आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो 45 मिनट्स डन हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पर पैन गर्म करने रख दी हूँ, और उसमें ऐड करेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल। आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑयल अच्छा सा हीट अप होने देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मच्छी। तो ऑयल गरम होने का इंतज़ार करते हैं, और हमारी मच्छी को हो चुके हैं 45 मिनट्स। तो मैं आपको उसका दिखाती हूँ कि कैसी दिख रही है। ये देखो, माशाल्लाह से सब तरफ से मसाला अच्छे से लग चुका है। तो एक एक करके हमें उठाना है और रखना है पैन के ऊपर इस तरह से। और तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, और जो इसकी आवाज़ आ रही थी ना, बहुत सेटिस्फाइंग थी। मतलब तेल प्रॉपरली गर्म था, मच्छी उसके ऊपर रखे, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी, और टेस्ट में भी वाकई बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग A to Z स्टार्ट टू एंड सब चीज़ें फॉलो करोगे, तो बहुत मस्त वाली रेसिपी बनकर रेडी होगी। और अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी सुरमई मच्छी हो गई, पॉपलेट हो गई, जो भी आप लोग चाहो तो उसमें ये मसाले में आप लोग बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 मच्छी फ्राई करने रख दी हूँ, और हल्का हल्का सा आपको लगे तो ये देखो, इस तरह से मसाला ऊपर ऊपर लगा दीजिएगा, और क्रिस्पीनेस आती है और टेस्टी अच्छा होता है। तो इसी तरह से एक साइड हो चुकी है। 6 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे रखी थी, तो माशाल्लाह से देखो कितना बेहतरीन फ्राई हुआ है। अब मैंने इसे टर्न कर दी हूँ एज़ इट इज़, सबके साथ वैसे ही करना है हमें, इसे प्रॉपरली टर्न करना है। 6 मिनट्स मैक्सिमम इसे लगेंगे, और ज़्यादा हाई पर रखोगे तो ये एकदम ही ब्लैक हो जाएगा, तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैंने इसे भी टर्न कर दी हूँ। सो हमारी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त मच्छी फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो आप लोगों को अगर मेरा स्टेप और मेरा स्टाइल सब अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। बहुत ही मस्त रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।